जी सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी आई होप गाइज आपने वो वीडियो देखा है क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया था कि हम किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं है ना तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमें क्या क्या एग्जैक्टली exactly चाहिए होता है हमें प्लाज्मेट चाहिए होते हैं हमें रिस्ट्रक्शन एंड चाहिए होते हैं हमें डीएनए लाइगेजेस चाहिए होते हैं है ना तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जरूर जाकर देखिएगा नहीं तो आपको एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आएगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले आज इस वीडियो में ठीक है तो गाइज आज हम कवर करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हमने ये तो समझ लिया था कि कैसे होता है ये ठीक है अब देखते हैं क्या क्या चीजों की जरूरत होती है इसमें ठीक है अब इसमें पहली चीज जो जरूरत होती है गाइज वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका जो भी एलियन डीएनए है जो कि आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं प्लाज्मिड में उसको बेसिकली कट करता है ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने क्या बोला था को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये हमारा जो डीएनए है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है प्लाज्मिड में उसको कट करता है ठीक है तो बेसिकली 1963 में दो ऐसे इंजाइम जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ बैक्टीरियो फेज में उसको आइसोलेट कर लिया गया ई e. से ठीक है तो जो बेसिकली ऐसे बैक्टीरियो ई कोलाई में रिस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ उसको आइसोलेट किया गया एक इसमें से एक को लिया गया और मिथाइल ग्रुप जो है डीएनए में ठीक है उसमें एड कर दिया गया ठीक है और दूसरा जो है तो एक एक ने क्या करा कि मिथाइल ग्रुप डीएनए में ऐड कर दिया और दूसरा जो है उसने कट कर दिया डीएनए को ठीक तो जिसने कट कर दिया ना उसको हमने क्या बोला उसको हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको क्या बोला रिस्ट्रिक्शन एंडो ठीक है तो आपका जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम है एच आई एन डी टू उसका नाम क्या है एच आई एन डी टू ठीक है और इसकी फंक्शनिंग जो है ना वो स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ठीक है उस पर डिपेंड करता है और क्या हमने देखा कि ये जो एच आई एन डी टू है ये हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिकॉग्नाइज करता है ठीक है तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है छे बेस पेयर का बेस पेर का, जिस पे रिकॉग्नाइज करता है ठीक है ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस था ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस था ठीक है इसको हमने क्या बोला इसको हमने बोला रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको हमने बोला रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसका एच आई एन डी टू का ठीक है तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस था ये ठीक आज के डेट पे अगर हम बात करें ठीक है तो गाइज ऐसे 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ठीक है जिसको हमने टू थर्टी डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट कराए और ये अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं ठीक है तो बेसिकली कहीं अगर आप इन इंजाइम्स का नाम देखेंगे तो इन इंजाइम्स का नाम क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है वो आता है जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है उसके जीनस से ठीक और सेकेंड टू लेटर्स जो आते हैं वो आते हैं उसके स्पीसीज से ठीक तो जो आपका मान लीजिए अगर नाम है से फॉर एग्जाम्पल इको आर आई ठीक है तो ये कहां से आ रहा है ये बेसिकली आ रहा है ईकोलाई ठीक है तो ई और को इको ठीक है आर वाई थर्टीन ठीक है तो अब आर और आई क्या है है ना E को तो समझ में आ गया ई ये ई है और को ये कोलाई का को है, है ना तो आर जो है वो डिराइव हुआ है नाम से ठीक है जो आपका स्ट्रेन है ना उसके नाम से ठीक अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि रोमन नंबर्स उसके आगे लिख देते हैं ठीक वो क्या वो किस पर डिपेंड करता है कि वो इंडिकेट करता है बेसिकली वो ऑर्डर ठीक है जिस ऑर्डर से ये एंजाइम आइसोलेट हुआ है बैक्टीरिया के ठीक तो अगर आगे जो है रोमन नंबर्स लिखे होते हैं तो वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है जिस ऑर्डर में ठीक है ये आइसोलेट हुए हैं उस बैक्टीरियल स्ट्रेन से ठीक अब आपके गए जो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना वो बहुत ही बड़ा एक ग्रुप है एंजाइम्स का ठीक है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिएजेस इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएजिस ठीक है nucleases, इसको बिलोंग करता है ठीक है किसको बिलोंग करता है न्यूक्लिएजिस जो ग्रुप है हमारा एंजाइम का उसको बिलोंग करता है और दो तरीके के न्यूक्लियज होते हैं एक्सो और एंडो ठीक है आपके जो एक्सो ठीक वो न्यूक्लिया न्यूक्लियोटाइड रिमूव करते हैं डीएनए के एंड से ठीक है और जो एंडो एंडोन्यूक्लियज है वो स्पेसिफिक पोजिशन पे कट करते हैं ठीक याद रखिएगा आप एक्सो जो हैं ठीक है ये क्या रिमूव करते हैं दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए और एंडो क्या करते हैं एंडो ये जो है आपके दे मेक कट्स एट स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए ठीक है तो स्पेसिफिक पोजिशन पे कट करते हैं ठीक अब आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है वो कैसे फंक्शन करता है वो इंस्पेक्ट करता है कि डीएनए सीक्वेंस की लेंथ क्या है ठीक जब एक बार वो स्पेसिफिक जो आपका सीक्वेंस है जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसको खोज लेता है तो वो जाकर डीएनए से बाइंड कर जाता है और जो आपकी दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है जो डबल हेलिक्स में क्योंकि आपका दो स्ट्रैंड है, है ना? तो दोनों स्ट्रैंड्स को ठीक कट कर देता है ठीक है और कहा कट करता है जो आपका शुगर फोस्फेट बैकबोन है ना वहां से कट कर देता है ठीक है अब जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ठीक है उसको रिकॉग्नाइज करता है ठीक तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको बोलते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पैलेंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ठीक है इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है ठीक है तो कह पैलिंड्रोम का मतलब आई होप आपको नहीं पता होगा अगर पता है तो मैं बताती ठीक अगर मैं ये आपको वर्ड लिखू एम एल ए वाई ए एल ए एम ये क्या है मलयालम है ना अब मलयालम को आप इधर से पढ़िए तो आप क्या पढ़ पा रहे हैं मलयालम अब मलयालम को आप उल्टा पढ़िए अगर उल्टा पढ़ेंगे तो भी क्या पढ़ रहे हैं एम ए एल ए वाई ए एल ए एम तो भी ये मलयालम है है ना तो अगर आप सीधा पढ़िए या आप उल्टा पढ़िए दोनों तरफ से आपको मलयालम ही पढ़ने में आ रहा है, है ना ऐसा सीक्वेंस जिसको आप फॉरवर्ड पढ़िए या बैकवर्ड पढ़िए सेम ही वर्ड आपको मिलेगा इनको हम बोलते हैं वर्ड्स ठीक जिनको आप दोनों डायरेक्शन से सेम ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो वैसे ही पैलिंड्रोम डीएनए का ऐसा सीक्वेंस है कि अगर उसके बेस पेयर को आप दो किसी भी साइड से पढ़िए आपको सेम ही सीक्वेंस मिलेगा ठीक है तो आप फाइव टू थ्री डायरेक्शन से पढ़िए या आप थ्री टू फाइव डायरेक्शन से पढ़िए आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा ठीक ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ठीक है अब मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूं ऐसे सीक्वेंस का अब आप मान लीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस है जी ए ए टी टी सी ठीक फाइव इज टू थ्री ठीक है अब है सी टी टी ए जी ठीक अब ये है फाइव इंस टू थ्री अब ये जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है है ना इसको आप फाइव इंस टू थ्री डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ रहे हैं जी ए ए टी टी सी ठीक अगर आप इसको अब उल्टे साइड से पढ़ रहे हैं जो थ्री टू फाइव है, है ना नीचे वाला नीचे ठीक है तो क्या पढ़ रहे हैं आप जी ए ए टी टी सी यही है बेसिकली आपका पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ठीक है तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए स्ट्रैंड को थोड़ा सा ये पैलिंड्रोम साइड से हटके कट कर देता है ठीक है लेकिन आपकी जो दो हैं है ना जो सेम दो बेसेस हैं ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में उनके बीच में कट कर देता है ठीक है तो आपका क्या बचता है अब एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन बच जाता है एंड में ठीक है और इनको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस इनको हम स्टिकी एंड भी बोलते हैं इनको हम स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं तो बेसिकली दोनों साइड में स्टिकी एंड जो है वो बच जाता है अब आपका जो स्टिकी एंड क्यू बोल रहे हैं ठीक है क्योंकि ये आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री कट किए हुए काउंटर पार्ट है ना उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ठीक है तो बेसिकली ये जो स्टिकीनेस है वो बाद में काम आती है तो जब इनको हम प्लाज्मिट से जोड़ते हैं तो जो है डीएनए लाइगेस जो एंजाइम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था है ना जो जोड़ता है बाद में वो इस स्टिकीनेस का फायदा उठाता है और इसी स्टिकीनेस की वजह से वो फटाफट जोड़ देता है प्लाज्मिट से इनको ठीक ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा है ना तो आपके जो रिस्ट्रिक्शन re एंडोन्यूक्स है ना गाइज वो क्या करते हैं वो genetic engineering में use, use होते हैं, मॉलिक्यूल बनाने के लिए ठीक एक बार हम ये समझेंगे वापस से अब एक बार इसको डायग्राम से समझेंगे वापस से ठीक है तो ये जो आप इस, अब डायग्राम देख रहे हैं ठीक है मैं काम करती हूँ मैं ये टेक्स्ट हटा देती हूँ सो so मैं आपको थोड़ा ये और डायग्राम बड़ा करके और समझा सकूं ठीक है आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा है ना तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हम पहले देख रहे हैं कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो काम कर रहा है ठीक तो हमने ये क्या करा है? ये बेसिकली आप मान लीजिए ना कि ये जो है ये क्या है ये वेक्टर डीएनए है ठीक और ये जो है आपका ये फॉरेन डीएनए है ठीक है अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर आपको सेम वो सीक्वेंस दिख रहा है है ना अब यहां पर आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ईको आर आई ये आया ठीक है और इसने क्या करा कि कट कर दिया डीएनए को ठीक तो एंजाइम ने क्या करा कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेम साइड पे कट कर दिया ठीक अब यहां जो आप देख रहे हैं उसने कैसे कट करा है इको e आर आई कैसे कट करता है जो जी और ए के बीच के बेसिस हैं, ठीक है उनको कट किया लेकिन ये तभी कट करेगा जब ये बेसिस का सीक्वेंस जी ए होगा। ठीक है तो जब ये सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट होगा तो ही इको आर आई फंक्शन करता है तो ही ये कट करेगा कट करने के बाद क्या हुआ कट करने के बाद ऐसे कुछ आपका जो है स्टिकी एंड बन गए दोनों पे है ना स्टिकी एंड बन गए इधर भी एक स्टिकी एंड है और इधर भी एक स्टिकी एंड है ठीक है अब क्या होगा कि आपका डीएनए फ्रैगमेंट एक साथ डी स्टिकी एंड पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके जो डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं वो जॉइन कर जाएंगे स्टिकी एंड पे ठीक है और ये आपका जो अब डीएनए सीक्वेंस है ये बन ये क्या है ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ठीक है अब क्या होता है गाइस बेसिकली कि जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट है ना उसमें स्टिकी एंड है वो साथ जुड़ के डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बढ़ गए जु, जुड़ते कैसे हैं जुड़ते हैं वो डीएनए लाइगेस से ठीक है तो आगे हम एक और डायग्राम देखते हैं जहां पर हम वहां पर तुमने देखा बेसिकली वो कट कैसे कर रहे हैं न? यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जैक्टली exactly है क्या तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बेसिकली यही है पूरी टेक्नोलॉजी है ना यहां हम क्या कर रहे हैं फिर से एक बार देखते हैं ठीक है तो ये जो है आपका वो फॉरेन डीएनए ठीक है ये आपका जो है ये वेक्टर है जिनको हम जिसको बोलते हैं प्लाज्मेड अब जो है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम क्या बोल रहे हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को कट cut करेगा कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट ठीक है तो सेम जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने फॉरेन डीएनए को भी कट कर दिया देखो ये कट हो गया है ना और यहां पर देख रहे हो अगर तो वेक्टर डीएनए को भी कट कर दिया ठीक है अब आएगा क्या अब आएगा डीएनए लाइगेज है ना अब लाइगेजेज फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मेड है ना यहां अगर आप कहीं ध्यान से देख पा रहे हैं आपको वो ब्लू कलर का डीएनए जुड़ा हुआ दिख रहा है जो कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ने काटा था ठीक है ये आकर जुड़ गया अब ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ठीक है अब यहां पर फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो हमने क्या करा ई e कोलाई में इस वेक्टर को इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को डाल दिया ठीक है अब यहां पर क्या होगा रेप्लिकेशन शुरू होगा सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे है ना तो बेसिकली ये जो है ना ये आपका क्लोनिंग होस्ट है हमने क्लोनिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देख लेना ठीक है तो क्लोनिंग होस्ट है ये और इसमें हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेल्स डिवाइड होने लगे और आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी रेप्लीकेट होना शुरू हो गया और अब आपने जिस भी पर्पस से एड करा है वो DNA, वो अपना काम करना उसने कर दिया और आपको फिनोटाइप में वो दिखना शुरू हो जाएगा ठीक है तो कहीं बेसिकली यही है हमारा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ठीक है अब आगे क्या है आगे क्या आगे ये है कि हम जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसको सेपरेट और आइसोलेट कैसे कर रहे हैं ठीक है आखिर आप आइसोलेट कैसे कर रहे हैं है ना तो बेसिकली कट तो कर दे रहे हैं पहले हम क्या कर रहे हैं पहले कट कर दे रहे हैं डी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस और हमें क्या मिल जा रहा है फ्रैगमेंट मिल जा रहा है डीएनए का अब हम क्या कर रहे हैं कि इन फ्रैगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किससे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर देते हैं ठीक है क्योंकि डीएनए हमारे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो अगर हम इसको एनोड की तरफ मूव करें ठीक है तो क्या होता है ये जो है एक सीक्वेंस में लग जाते हैं ठीक एक मीडियम और मेट्रिक्स के अंदर बेसिकली हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनोड की तरफ मूव करते हैं ठीक है और हम किस टाइप का मैट्रिक्स यूज करते हैं तो बहुत सारे केसेस जेल होता है ठीक के सी वीड से निकलता है गाइस है ना और ये जेल अब क्या होता है कि जो सेपरेशन होता है ना डीएनए फ्रेगमेंट का वो उनकी साइज के अकॉर्डिंग होता है ठीक है तो क्योंकि अकॉर्डिंग होता है ठीक तो है, है, है. तो बेसिकली क्या होता है कि जितना ज्यादा जित फ्रेगमेंट का साइज होगा उतना वो पास होगा जितना छोटा साइज होगा उतना दूर मूव कर जाएगा वो ठीक है तो यही आपको यहाँ दिखेगा कि ये बेसिकली जो आपको दिख रहा है ना ये एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है ना वो होता है तो यहां पर कहीं बेसिकली वेल्स बने होते हैं ठीक है और ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये डीएनए बैंडस है ठीक इधर जो है आपका लार्जेस्ट होंगे और जो सबसे दूर चले गए हैं वो स्मॉलेस्ट होंगे ठीक है अब हम इसके आगे क्या करते हैं तो जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं अब हमें जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स मिले हैं उनको हम स्टेन करके किससे? एथीडियम ब्रोमाइड से उनको एथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके और हम क्या करते हैं कि बेसिकली विजुअलाइज कर सकते हैं ठीक है तो उनको यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं पहले उनको हम बेसिकली स्टेन कर रहे हैं एथीडियम ब्रोमाइड से ठीक है उसके बाद हम एक्सपोज करते हैं यूवी रेडिएशन में फिर अब उनको देख सकते हैं ठीक अब हमें क्या होगा ब्राइट ऑरेंज कलर मिलेगा ठीक है तो क्या दिख रहा है bright orange कलर के बैंड्स दिख रहे हैं ठीक है अब जो आपके सेपरेटेड बैंड्स हैं उसको हम एगरोज जेल से निकालते हैं ठीक है किस चीज से एक जो है आपका जेल पीस होता है जिसको बोलते हैं एल्यूशन ठीक तो सेपरेटेड बैंड्स को हम कट करते हैं एगर जेल से और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किस चीज से बेसिकली इसको बोलते हैं एल्यूशन ठीक अब इन डीएनए फ्रेगमेंट को प्योरिफाई करके ठीक है और फिर हम इनसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर ज्वाइन करवाकर ठीक तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया सेपरेशन और आइसोलेशन का डीएनए का ठीक है तो भाई इसके साथ ही हमने क्या खत्म कर दिया हमने रिस्ट्रिक्शन एंडो हमारे हमारा है, है ना वो ए, एक टूल जो बेसिकली है वो खत्म कर दिया आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि और हमारे ऐसे टूल्स कौन कौन से हैं ठीक है थीके? जो यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली exactly जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उनका फंक्शन क्या है उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से हम हमारा जो वेक्टर है plasmid, वो बनाते हैं तो गाइज लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और वहां पर आपको बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोज करती हूँ वो मिलते रहे टाइम पर और गाइज अगर आपको नहीं समझ आया कुछ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे तुरंत कमेंट में मैसेज में कीजिए और आपके डाउट में क्लियर करूंगी गाइज आप मुझसे अपने डाउट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय